वैसे प्रिया, राखी जी को पहले कभी देखा नहीं, शादी में आए थे क्या? हाँ आई थी ना। अब रोहित शायद ना दरवाजे पे कोई आया है। नहीं तो आवाज आई है मुझे, आप जाके एक बार देख के आइए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, इतनी समझदार हो गई है कि अपने पति को ही बाहर भेज दिया ताकि हम पास आ सके। तू रटो, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने उसे इसीलिए बाहर भेजा ताकि तुम्हें बोल सकूं कि जब तक वो यहाँ आना तब तक मुझसे दूर रहो, ये तो दोनों फंसेंगे। एक कुछ नहीं होगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही है? प्रिया, कोई अंदर आया था क्या? मुझे किसी लड़के की आवाज है। लड़का? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया। आवाज तो यहीं से आई थी, आपने सुना क्या? रोहित जरूर ना आपको वहम हुआ होगा, यहाँ राखी के अलावा तो कोई भी नहीं है। वहम कैसे हो सकता है? छोड़िए ना, ये बताइए दरवाजे पे कौन था? प्रिया, दरवाजे पे कोई नहीं था, तुमने मुझे यहीं भेजा। हो सकता है मुझे गलत फहमी हो गई हो। आइए ना, खाना तो खा लीजिए। नहीं मेरा हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, चश्मा पास करना। आराम से जाना। राखी जी आप शाम को रुक रही है ना, डिनर हम यहीं करेंगे, तब तक आप दोनों बातें करिए, प्रिया भी कई दिन से वो फील कर रही है। हाँ आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओके बाय। ओके पर वाओ गए यार तुम। नमस्कार साहब। नमस्कार गार्ड साहब, कैसे हो? बढ़िया साहब। वो साहब राखी मैडम आपके घर आई है क्या? हाँ क्या हुआ? वो साहब उनकी स्कूटी नो पार्किंग में खड़ी है, अगर एक बार उनको आप बोल देते वहाँ से हटा ले, क्योंकि सोसाइटी का कोई आएगा तो खाम खा चिक चिक करेगा साहब। मैं प्रिया को बोलता हूँ, वो राखी को बोलते। जी साहब। प्रिया का फ़ोन ऑफ आ रहा है, उसे ऊपर जाकर बोल के आता हूँ। साहब आप इतने फ्लोर ऊपर जाएंगे साहब, उन्होंने इसमें एंट्री करी है राखी मैडम ने, आप इसमें से देख के कॉल कर लीजिए साहब उनको। दिखाओ ये वाला साहब। चौधरी साहब आपने नंबर तो गलत नहीं लिख लिया? नहीं साहब, क्या हुआ? ट्रू कॉलर पे ये यमन सोनी के नाम से दिखा रहा है। यमन नाम से? सर राखी मैम ने खुद यहाँ पे एंट्री करी है साहब। मैं देखता हूँ। अरे थोड़ा तो इंतजार कर लो, वो भी नीचे भी नहीं पहुंचा होगा। अब नहीं होता इंतजार। प्रिया इतना बड़ा धोखा। वो रोहित आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। अब सोचने समझने को रह क्या गया जब मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर रही हो? आप गलत सोच रहे हैं। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो ये लड़का लड़की बनकर क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था तुम्हारी सहेली है। प्रिया तुमने मेरी फ्रीडम का गलत फायदा उठाया। रोहित ये मेरा कॉलेज मेट है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्रिया मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो। ठीक है रहो इसी के साथ। ओ हेलो, मैंने रखूंगा इसे, तो अपने पास ही रख इसे। तुम्हें समझ भी है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सब समझ आ रहा है, मैं इसके पास सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता था, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। देख लिया तुम्हारा प्यार, जिसके लिए तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाया ना, यही था ना तुम्हारा प्यार? अधूरा था, कर लो पूरा, निकलो मेरे घर से। रोहित प्लीज मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर। रिया निकलो।